Welcome back to another very important video session. In this video session, we are going to discuss about the formation of pollen grains, or we call as the microsporogenesis. Microsporogenesis takes place inside the this structure called as anther. So before starting the microsporogenesis, we will take overview of the meiosis, because the meiosis is most concerned with the formation of pollen grains. And meiosis is a cell division, type of cell division, which takes place in reproductive cells. Okay, let's see this here with the help of this. Meiosis is a specialized cell division. Meiosis takes place in two phases, meiosis 1 and meiosis 2. Consider कीजिए a consider कीजिए कि इसमें एक diploid cell है जिसमें two chromosomes हैं और ये diploid है. ये सेल डिप्लॉइड है, मींस इसमें दो क्रोमोसोम के दो सेट है और इसमें डुप्लीकेशन का प्रोसेस होगा. डुप्लीकेशन होने की वजह से इसमें क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे. सपोज अगर टू क्रोमोसोम है तो फोर क्रोमोसोम हो जाएंगे. फोर सपोज इसमें टू क्रोमोसोम, ये पेयर में, तो इसमें फोर क्रोमोसोम हो जाएंगे. यानी हर क्रोमोसोम पेयर में का हर क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर लेगा खुद को. ठीक है, इसलिए ईच क्रोमोसोम विल अपीयर विद फोर क्रोमेटिड. ईच क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर विल अपीयर विद फोर क्रोमेटिड. ठीक है, तो ये चार क्रोमोसोम. ठीक है, अब इसमें इसमें मियोसिस होगा. और मियोसिस वन होकर दो सेल्स बन जाएंगे. ये सेल डिवाइड हो जाएगा दो सेल्स में और दोनों में दो दो सेल्स, यानी हर पेयर में का एक एक क्रोमोसोम. हर ये पेयर में क्रोमोसोम है, सपोज यहाँ पेयर में थे, डुप्लीकेशन हुआ और ये पेयर में है, तो ये क्रोमोसोम हर एक क्रोमोसोम सेल में एक क्रोमोसोम, दो दो क्रोमोसोम ट्रांसफर हो जाएंगे. अब ये मियोसिस वन था. अब मियोसिस टू क्या होगा कि ये दोनों जो सेल है, दोनों सेल डिवाइड हो करके चार हैप्लॉइड सेल बनाएगा, जिसमें एक एक सेट रहेगा क्रोमोसोम का. ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट द मियोसिस. ये हमने डिटेल में नहीं देखा, हमने सिर्फ इसका ओवरव्यू लिया है. इसलिए डिटेल में आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं माइटोसिस, मियोसिस. मियोसिस भी आपने देखा है. मियोसिस इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन अ रिप्रोडक्टिव सेल, और मियोसिस की वजह से जो सेल में जो डिप्लॉइड नंबर है वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ. सो लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. आप देख रहे हैं कि ये हमने लास्ट वीडियो में, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिटेल स्ट्रक्चर देखा था एंथर्स का, टीएस ऑफ एंथर्स. और हमें मालूम है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन चैम्बर में होते हैं. ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये पोलन चैम्बर है. ठीक है, और पोलन चैम्बर में स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं या स्पोरोजिनस सेल होते हैं, और स्पोरोजिनस सेल में सेल से ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं. स्पोरोजिनस सेल में मियोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस की वजह से उसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं. सो लेट्स सी, कंसीडर कीजिए कि सपोज ये एक स्पोरोजिनस सेल है. ठीक है, प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड लार्ज सेल डायरेक्टली फंक्शंस एज पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है,
माइक्रोस्पोर। अब इन्हीं सेल से पोलन मदर सेल या जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, उससे न्यू उससे वो डिवाइड होकर के पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कंसिडर कीजिए कि सपोज ये स्पोरोजिनस सेल है, डायरेक्टली फंक्शंस एज पोलन मदर सेल, ठीक है। ये सेल को हम यहां लेकर उसको दिखाते हैं, देखिए इसमें पोलन मदर, इसमें मियोसिस मियोसिस का प्रोसेस ऐसा होगा और ये डिवाइड होकर के पहले दो दो सेल्स में और बाद में मियोसिस टू के वक्त में इस तरह से फोर माइक्रोस्पोर में डिवाइड हो जाए, इसके टेट्राड कहेंगे। टेट्राड जो पोलन मदर सेल होता है यानी जो स्पोरोजिनस सेल होता है वो डायरेक्टली फंक्शन एज पोलन मदर सेल और पोलन मदर सेल अंडरगोज द मियोसिस टू फॉर्म फोर माइक्रोस्पोर विच आर ऑल फोर माइक्रोस्पोर्स आर हेल्ड टुगेदर इन ए क्लस्टर इन लैटर स्टेजेस दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन मियोसिस के वक्त में वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से क्लस्टर में होते हैं। इस स्टेज को टेट्राड कहेंगे बिकॉज देर आर फोर माइक्रोस्पोर इन ए क्लस्टर, ठीक है, इसे टेट्राड माइक्रोस्पोर कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब टेट्राड इन डिफरेंट प्लांट स्पीसीज देर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड, जैसे सपोज this type of tetrad is called as isobilateral इसी तरह there may be linear tetrad and all the four cells arranged in a linear fashion like this। This type of pollen tetrad is known as linear microspore tetrad। One more type is there, like this, ये टी शेप या टी शेप पोलन माइक्रोस्पोर टेट्राड है। इसी तरह this type of microspore tetrad is known as tetrahedral। teen microspore idhar ek we can consider back to this back side, ise tetrahedral microspore tetrad kehenge। this is most common among the angiosperms, this type of microspore tetrad is most common। And one more is there, that is called as decussive। Consider this diagram more or less like this decussive। Because it tetrad, right?
दीज आर फाइव टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फाउंड इन प्लांट स्पीसीज एंड टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड इज मोस्ट कॉमन एमंग द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. सो दीज आर ऑल अबाउट द पोलन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. सो फ्रॉम दिस टेट्राड ऑल माइक्रोस्पोर आर सेपरेटेड each circular structure represent a single microspore. Then these microspore after formation of axine and intyme around these microspore then that are converted into pollen grain. This is axine and this is in time. So without the axine and intyme called as microspore, and the microspore after formation of the axine and intyme is converted into pollen grain. This is the difference between the microspore and pollen grain. And pollen grain we can say the cell which carries the male gamete, not male gametophyte. This cell later converted into male gametophyte. This is the cell which carries the male gametes only. Okay. So these are all about the formation of pollen grains. Okay. I hope this point is clear now. Thanks for watching.